दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिगिनर की एक समस्या को लेकर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। जब भी कोई बांसुरी खरीदना होता है तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ये मुश्किल होता है कि कौन सी बांसुरी लें, क्योंकि कौन सी बांसुरी कितनी बड़ी होती है, मैं उतनी बड़ी बांसुरी प्ले कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर मुझे कौन सी स्केल की बांसुरी चाहिए, गुरुजी ने कौन से स्केल की बांसुरी लेने के लिए बोली बोला है, और फिर वो बांसुरी कितनी बड़ी होती है, उसके होल्स का क्या स्पेसिंग होता है, कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसे में ना मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, दो क्लिक में ये आप जान पाओगे कि कौन सी बांसुरी कितनी बड़ी होती है। तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और ये वर्ड्स टाइप करना है, फ्लूट मेजरमेंट चार्ट। जी, जैसे आप फ्लूट मेजरमेंट चार्ट में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिलेगा, आपको ये रिजल्ट मिलेगा, फ्लूट मेजरमेंट चार्ट बाय फ्लूट मेट। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ना क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन करना तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। जी, बेस फ्लूट मेजरमेंट चार्ट और मीडियम फ्लूट्स मेजरमेंट चार्ट, दो अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे बनाए रखे हैं। तो आपको एक चीज देखना है कि मान लेते हैं कि आपको जी सार बेस की बांसुरी का कितनी बड़ी लंबी कितनी लंबी होती है, उसका डाया क्या होता है और उसके स्पेसिंग्स क्या होते हैं देखना है। सबसे पहले तो जी सार बेस आप इधर देख रहे हैं, 24 इंच होता है इसकी लंबाई, 24 इंच होती है और डायमीटर होती है इसकी 21.5 एंड 2.2 वॉल थिकनेस। ठीक है, अब मोटा मोटा आपके लिए रिलेवेंट है 24 इंच। ये 24 इंच होती है जी सार बेस की। अभी आपको क्या करना है, आपको एक चीज और ढूंढना है कि फ्लूटमेट का वही वेबसाइट के आप होम में जाना। ठीक है, होम में जाने के बाद आपको यहाँ पे नो केयर में क्लिक करना है। तो ये फ्लूटमेट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे फ्लूट मेकिंग के बारे में बता रहा है कोई, तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मैंने इसमें देखे। हालांकि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, एक मेरी बांसुरी पे मैंने इसका मेजरमेंट लेके देखा था तो काफी एक्यूरेट, मतलब क्लोज टू एक्यूरेट है, नॉट वेरी परफेक्ट, बट इससे आपको साफ आइडिया पता चल जाता है कि बांसुरी कितनी लंबी है और उसके होल्स का स्पेसिंग क्या है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना आप इंटर वैल्यू इन सेंटीमीटर, तो 24 इंच को आप सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 24 इंच टू सेंटीमीटर इज, दिस इज 60.96 सेंटीमीटर। ओके, 60.96 सेंटीमीटर, तो 60.96 सेंटीमीटर और एंटर दबा दीजिए। एंटर दबा दीजिए तो नीचे देखना, प्लीज वेट, एआई इज कैलकुलेटिंग। आजकल एआई का जमाना है तो पता नहीं, ये भी यहाँ पे भी एआई आ गया भाई, देख रहे हैं। तो पहले माउथ होल का मेजरमेंट है, दैट इज 8.47, होल वन, होल टू, होल थ्री, होल फोर एंड पंचम होल, लास्ट होल तक का आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे भी इंच टू सेंटीमीटर कन्वर्टर है, जैसे कि 24 इंच आपको बांसुरी का लेंथ है तो आपको 60.96 सेंटीमीटर हो गया। ये 60.96 सेंटीमीटर आपको डालना है यहाँ पे, और देख रहे हैं कितनी कमाल की चीज है। माउथ होल आपको ये अगर एंड ऑफ द फ्लूट है, ये टोटल 24 इंच है, तो माउथ होल से यहाँ तक आपको ये छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो ये स्पेसिंग से मतलब है ना, और या फिर टोटल लेंथ से मतलब है। तो बेसिकली माउथ होल इज 8.47 सेंटीमीटर, ये मैंने मानता, क्योंकि ये आप जितना लंबा रखो रखो, लेकिन कंसिडरिंग 24, खाली 24 इंच विच इज द स्टैंडर्ड ऑफ जी शार्प बेस, इसको कंसिडर करके दैट इज फाइन। अभी पहला होल आपका आएगा 29.6, 29.6। तो ये सारे आप प्लॉट करके देखना। तो आपको ना आपको क्या करना है, एक लंबा सा एक स्टिक लेना है। सबसे पहले तो यहां से आप माउथ होल आपने मार्क कर लिया, फिर यहाँ पे जो पहला होल, फिर दूसरा होल यहाँ पे आएगा, तीसरा होल यहाँ पे आएगा, फिर चौथा, पांचवा, छठा और यहाँ। तो ऐसे करके ना आपको पता चल जाएगा कि कितने में ये उंगली बैठ रही है, अगर आप पाइप में आप अपनी बांसुरी बना के भी देख सकते हो। तो समझ रहे ना कि चलो जी सार बेस इतनी इतनी बड़ी फ्लूट होती है और होल स्पेसिंग इतने इतने होते हैं, तो आप आराम से मेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए वो बांसुरी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना। ऐसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और भी इस चैनल में मिलते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत।